तू सुल्तान कहा हम यार, तेरी कबन बड़ाई जो तू देह सु कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गामा देह बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई। बेशुमार अथाह अगणित अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारी। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दोष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों, चौपाई साहिब अमृत छकाउण दे विच चौथी बाणी और सिख रैत मर्यादा दे अनुसार अमृत वेले पढ़ी जाण वाली चौथी बाणी ते सोदर रहराज साहब वेले भी पढ़ी जाण वाली बाणी, ए सिख दे दो वक्त पढ़ी जाण वाली बाणी है। इहदी विचार कल नूं अरब कीती सी बख्शो असीस, पंज पदियां तक विचार असी कल तक कीती सी, अगे छेवें पदे तो विचार शुरू करिए। कोई भी रसना बांझी ना रहे, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी बख्शी होई फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़ी आवाज़ घटाओ, थोड़ा जा ईको वधाओ। कल तक असी विचारिया सी कि उस पारब्रह्म परमेश्वर अगे ये अरदास है चौपाई साहिब, चौपाई पदियां दा नाम है। कवियो बाच कवि गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने आप नूं आखरे ने, यह विद्वाना दी राय है। और इहदे विच अरदास कीती है कि पारब्रह्म परमेश्वर हाथ दे के तुसी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और रक्षा दे किन्ने शब्द ने, असी एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी विच अक्सर पढ़दे हाँ कि जी जन तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। ये भी रक्षा दा शब्द है। एक शब्द असी पढ़दे हाँ कि सच्चे पातशाह ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे, मोहे अपराधी चरण शरण, मैं तेरे चरणा दी शरण विच आया, मैनू रख लै। क्योंकि हम अपराधी, असी अपराधी हाँ ते तू रखण वाला है। एक शब्द गुरु अर्जुन साहब जी दा असी पढ़दे हाँ, पतित उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा। ये रखिया दा शब्द है। इस तरह बेअंत शब्द असी रखिया वाले पढ़ते हाँ, जा मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। इहदा एक एक पदा रखिया वाला है। तू काहे डोलह प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। दो शब्द दरबार साहब सुखासन वेले पढ़े जाते हैं, जिस वेले सोहला शुरू किया जाता है। पहला शब्द कि सच्चे पातशाह असी तुहाडी शरण विच आया, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग। इहदे विच रखिया लफ्ज़ भी है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीशर है। एक शब्द ताती वाओ ना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगै ना पाए। इसी तरह ये रक्षा वस्ते है, ये बिघन्ना दे विनाश करन वस्ते है, रोगों तो बचाउन वस्ते है। और पुरातन बुजुर्ग, क्योंकि असी बचपन तो ही जे कुछ सुनिया तो साडे पिता जी ने सानू एक ही गल कही है, चौपाई साहब करो। अही तुरदे फिरदियां तो साडे पिता जी, साडे बुजुर्ग दादा जी होरी यही कहिंदे सी, चौपाई दा पाठ करो, सदा ही करो। और इहदे विच कोई दो राह नहीं है, बहुत सारे बिघन साडे जीवन विच वरते ते जिस तों असी चौपाई साहब दे पाठ करके भी बचे हाँ। ताकत हैगी है इस बाणी दी।
हमरी करोहा दर अच्छा तो रब कीती सी। और साडे मन की जिहड़ी इच्छा है वह इच्छा यह है कि पदार्थ सानू सुख नहीं दे सकते, वाहिगुरु जी के चरणों के विच टिकिया होया मन ही सुख दे सकता है। अगे फिर असी अरदास दे विच आख्या कि साडे सारे दुष्टां नू नाश करो ते कृपा करो जिथे असी सुखी वसीए साडा परिवार भी सुखी रहे। तुसी कृपा करके जिहड़ा असी शब्द पढ़दे हां ना एक अरदास रूपी कि शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे, साडा परिवार भी और सारे सुखी वसण। तुसी मेरी रक्षा करो ते सारे वैरियां नू भी तुसी नाश करो। और वैरी तो सब दे होंदे है, कोई ऐसा नहीं जिहड़ा तरक्की करन लगदा उहदे ते सब तो ज़्यादा वैरी खड़े हो जाते हैं। चंगा कर्म ये नहीं कि मंदे कर्म करन वालियां दे वैरी, चंगे कर्म करन वालियां दे ज़्यादा वैरी होंदे ने। गुरु साहब दे किन्ने, गुरु नानक साहब नू को कह कोई भूतना कहिंदा सी, कोई बेताला आखदा सी, घट वैरी सन, जोगी वैरी हो गए सन। ननकाणा नानक मते दी धरती ते गुरु नानक साहब जी गए ते उत्थे महाराज जी नू जिथे बैठे से रुख ही उड़ाता, भस्म करन दा जतन कीता। बैरण होंदे ने पर बैरियां नू मारन वाला वह वाहिगुरू है, पर किस दे बैरियां नू मारदा है? जिहड़ा वध वाहिगुरू दा सिमरन करदा है वाहिगुरू दे उत्ते ज़्यादा त्रुटदा है। क्यों? क्योंकि जिहदे अंदर वाहिगुरू दे गुण ज़्यादा प्रगट होंदे है ते वाहिगुरू उहदा पक्ष ज़्यादा करदा है। इह वी अरदास असीं कीती सी कि सच्चे पातशाह जी कि तैनू छड के मैं किसी होर नू ना ध्यान लग जा, सारी ताकतां तेरे विच है, जो मैं मंगा तेरे तो पावां, तू सब दी रक्षा करन वाला है, हाथ दे के तेनू तू मैनू रखेगा। तो एक अरदास है मेरा मरण भी सवार दे, मेरे मरण का डर भी खत्म कर दे सच्चे पातशाह। तू सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों से फिर हू जो सदा हमारे पछा, तू मेरा पख पूर वाहिगुरु मेरे वल रह। श्री अस्तुज, अस्तुज का मतलब है खड़ग धारी जिदे झंडे विच तेग है, जिदे खंडे विच खंडा है ते झंडे दे विच, भाव तू खड़ग धारी है, तू बैरियां का नाश करन वाला है, दुर्जना का नाश करन वाला है, ते गरीब गुरबत नू रखन वाला है, तू मेरी रक्षा कर। आओ जी अगे सरवण करिए, राख लियो मोहे राखन हारे, रखन वाले प्रभु मैनू रख लै। साहिब संत सहाए प्यारे, एक शर्त गुरु गोबिंद सिंह साहब ने रखी है कि कल्ला सिमरन करन वाला संत नहीं हो सकता। संत वो होएगा जिदे अंदर संत रूपी गुण पैदा होणगे, जिदे अंदर तप पैदा होएगा बंदगी दा, जिदे अंदर भला पैदा होएगा, दया पैदा होएगी, जिदे अंदर शुभ गुण पैदा होणगे वो संत है। तो जिहड़ा संत है वो बारे असी बाणी विच पढ़दे हां, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। संत साहिब संत वो साहिब वाहिगुरु सहायता करता है, सहाय का मतलब है सहायता। साहिब संत सहाए प्यारे, वो प्यारा सदा ही अपने संतां दे सहाई है। दीन बंद दुष्टन के हंता, दीन बंद लफ्ज़ कट्ठा है, बंधु का मतलब हुंदा है दोस्त। तू दीना दा दीन कहिंदे है, बिल्कुल सताए हुए गुरबत दे विच दुखां च मारे हुए असी, तू साडा दोस्त बन, तू साडा मित्र है। मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कुसुंबै भुली। दीन बंद दुष्टन के हंता, तू दीना दा मित्र है ते दुष्ट करन वालियां दुष्टा दा तू हंता नाश करन वाला है। तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, तू चतुर प्लस दस, चतुर कहिंदे चार, दस कहिंदे दस, चौदह पुरियां दा तू मालक है। इस्लाम धर्म दे विच सत असमान ते सत लोक ते परलोक सत पताल आख्या, इनू चौदह पुरियां आखियां। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे जो तैनू चौदह पुरियां दा मालक मनदा है, तू सच्चे पातशाह चौदह पुरियां दा ही कंत है, हर थां तू ही मौजूद है जी। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल काल का मतलब है समा। एक वाहिगुरु अकाल पुरख उही काल तो रहत है, जिहड़ा आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच, बाकी सारा कुछ ये काल दे विच है। एक शिव भए एक गए एक फिर भए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं।
एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रमाणिक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिवें चलावै जिव होवै फुरमाण उहदे ही हुकम विच है उहने बनाया समा ते समें विच बनाए ब्रह्मा जी समें विच ही उहने शिव जी बनाए ते समें विच ही उहने विष्णु जी बनाए काल पाए ब्रह्मा बप धरा ब्रह्मा जी नूं उहने बनाया बप का मतलब बना के धर दिता समें दे विच समय विच आ के वो चले गए काल पाए शिवजू अवतरा काल समय विच ही शिव जी आ के अवतार धारिया काल पाए कर बिशन प्रकाशा विष्णु जी का जिक्र किया एक बनाउन वाले ने एक प्रतिपालना रखिया करन वाले ने जिहड़े विष्णु जी ते एक फना करन वाले ने गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे सारी इस धरती का मालक अकाल पुरख है बाकी सारी काल दे वस ने भावें ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने महेश जी ने काल पाए काल पाए कर बिशन प्रकाशा काल समय विच ही विष्णु जी का प्रकाश होया सच ते गल ए है सकल काल का किया तमाशा ये सारी खेड उस रब की बनाई हुई है वह इको ही है रमया होया वाहिगुरु उन्हें बहुत सारे सूरज बनाते उन्हें बड़े चंद्रमा बनाते उन्हें सारी 33 करोड़ देवी देवते बनाए ने पर वह कभी काल विच नहीं आता उदे ही बनाए हुए हुक्म विच सकल काल का किया तमाशा सारा तमाशा उदे काल दा है जी जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जपो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा ते उस काल दे विच जिहड़ा असी गुरु रामदास जी दे शोभा विच भट जी दा शब्द पढ़दे हां भट जी ने ही आख्या ना जाको मुन ध्यान धरै फिरत सगल युग कबहू को कूप आवै आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको शिव मुन गह ना तजात कबलाश को कैलाश पर्वत ते शिव जी बंदगी कर रहे ने ते कोई अपनी ताकत नाल नहीं भट जी कहिंदे आ इह वी कराउण वाला रब है शिव जी दे विच वी उह रब ही बैठा है शिव जी नूं बणाउण वाला वी उही है पर जे कोई कहे कि इवें बंदगी करके उहदा अंत पाया जा सकदा कोई दावा नहीं कर सकदा कि कैलाश पर्बत ते बैठ के तप करन नाल ही रब दा अंत पाया जा सकदा नहीं इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे जवन काल जोगी शिव कियो जवन जिस काल दे विच काल दा मतलब है समा हुकम जिस वाहिगुरु जी के हुक्म दे विच ही शिव जी जोगी बने असी कहीए शिव जी कोई अपनी ताकत नाल जोगी बन गए नहीं उस शिव जी नूं भी परम जोगी बनाउण वाला वह वाहिगुरु है जिहड़ा सब दे सिर उत्ते बैठा है जे वह अपने सवासां दी डोरी खिंच ले अज असी तुरदे फिरदे हां ते कल नूं असी मिट्टी हो जावांगे जवन काल जवन भाव जिस काल जिस ताकत दे विच जोगी शिव कियो कि शिव जी नूं परम जोगी बनाया वेद राज ब्रह्मा जू थियो कहिंदे जिस ब्रह्मा जी नूं सारी सृष्टि नूं सिरजण दी ताकत देती वेद राज भाव वेदां दा क्योंकि वेदां दा कल्ला ब्रह्मा जी नूं सृष्टि दा सिरजनहार नहीं किया गया ब्रह्मा जी नूं वेदां दा भी सिरजनहार किया गया इस करके बाणी दे विच बहुत वारी इह बचन आया है कि जे वेदां दी विचार आएगी तो फिर वह ब्रह्मा जी दे नाल आएगी तो ब्रह्मा जी वेद नहीं सिरज सकदे सी जे वाहिगुरू दा हुक्म नहीं हुंदा ब्रह्मा जी दे सिर उत्ते भी वाहिगुरू दा हुक्म चल रहा है वेद राज दा मतलब वेदां दी सारी सिक्ख्या ते वेदां दा राज कौन है राजा कौन है ऋग्वेद चारों वेदां दे विचों सिरमौर वेद ऋग्वेद है वेद राज ब्रह्मा जू थियो ब्रह्मा जी नूं भी वेदां दा सिरजक बनाउण वाला वह वाहिगुरु है जवन काल सब लोक सवारा जिस काल जिस वाहिगुरू के हुक्म दे विच सारे लोग सारी सृष्टियां तुसी ते मैं बने ने ते मर के बन के खपण वाले हाँ साडे वड्डे आए आ के खप गए चले गए ये सारा उहदे हुक्म विच ही है इस करके नमस्कार है ताहे हमारा ना मैं शिव जी नूं नमस्कार कीती ना मैं ब्रह्मा जी नूं कीती ना मैं विष्णु जी नूं कीती ना मैं किसी ब्रह्मा शिव जी वर्गे जोगी नूं ते ना वेद लिखण वाले ब्रह्मा नूं जे मैं नमस्कार कीती ते सब कुछ बनाउण वाले उस वाहिगुरू नूं कीती अपने मन विच सारे भुलेखे कढ दिओ कि गुरु गोबिंद सिंह किसी होर दा पुजारी है जे गुरु गोबिंद सिंह साहब पुजारी है ते अकाल दा पुजारी है नमस्कार है ताहे हमारा
मेरी नमस्कार उस वाहिगुरु नूं है जिस वाहिगुरु ने ये सारे बनाए ने जी। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जवन काल, जिस काल ने, जिस ताकत ने, जिस समय ने, ते समा किन्ने बनाया? वाहिगुरु ने बनाया। उस वाहिगुरु दे अगे कुछ चलदा, अल्लाह अलख अगम कादर करणहार करीम, सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनू आखी है जिस सिस ना हो वी लेख, समय दी घड़ियां सारियां दे सिर उत्ते चल रहीआं ने, सारियां दी। असी आसा की वार दे भी घड़ियां सभे गोपियां पहर इक तन कन गोपाल, गहने पौन पाणी बेसंतर बैसंतर, चंद सूरज अवतार। जे कोई कहे चंद्रमा सदा रहण वाला है, सूरज सदा रहण वाला है, कोई रहण वाला नहीं। सब दे सिर उत्ते काल रूपी घड़ी है, एक वाहिगुरु है जिहदे सिर दे उत्ते कोई काल दा लेखा नहीं, कोई घड़ी दा लेखा नहीं। जिहड़ा आद पूर्ण, मध पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है, इहनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे जवन काल सब जगत बनायो। जिस वाहिगुरु ने पहला समा बनाया, फिर समय विच ही सारी चीज़ां बनातियां। कोई भी चीज़ समय तो परा नहीं है, हर एक दी उम्र तय है। इत्थे कोई एवें नहीं बेउमरा ही तुरी फिरदे है। कोई कहे जी मैं पता नहीं, मैं तो सदा ही जीना है। इत्थे सब कुछ फना होने वाला है, सूरज भी खत्म होएगा, दिन रब चला है, निस सस चला है, तारिका लख पलोए ना दिन रहन वाला है। दिन भी भाई समय दे विच है, अठ या बारह घंटिया का दिन होंगे, अठ घंटे चानण होंगे असी कहीए, जां फिर असी कहीए बारह घंटिया की रात होंदी है, ये भी समय विच बजिया होया। सूरज का भी समय, सूरज की उम्र घटती जा रही है, चंद्रमा की भी घटती जा रही है। दिन रब चल है, निस सस चल है, तारिका लख पलोए, तारे भी रोज़ वो रब करोड़ा तारे बना के करोड़ा फना करता है। गुरु नानक साहब कहते पर मुकाम उही एक है, जिस वाहिगुरु ने समा बनाया उहदे उत्ते समा नहीं है कोई। जवन काल सब जगत बनायो, जिस वाहिगुरु ने समा बना के सारा जगत समय विच बना के बन के रख दिता, देव दैत जच्छन उपजायो, देवते भी उस वाहिगुरु ने बनाए, दैत राक्षस भी बनाए, जच्छन जिन्हों यक्ष कहिंदे है देवतियां दी किस्म है, ये भी उन्हें बनाए। आद अंत एक है अवतारा, आद तो लैके अंत तक इको ही वाहिगुरु रहन वाला है, वो अपना आप अवतारा का अवतार वाहिगुरु रहन वाला है, होर सब खत्म होने वाले ने। इस करके मेरी उन्हों नमस्कार है, मैं उन्हों अपना गुरु समझदा जिहड़ा आद तो लैके अंत तक कदी नहीं खत्म हो सकता। सोई गुरु समझो हमारा, असी उस अकाल पुरख नूं अपना गुरु समझ के नमस्कार करदे हां जी। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पालमो बद कियो। साडी नमस्कार उन्हूं है, असी जाप साहब दे विच भी पढ़ के आए नमस्वंग अकाले नमस्वंग कृपाले। अकाले दा मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु, कृपाले दा मतलब जिहड़ा सब दे उत्ते कृपालू है, सब नू बनाउण वाला है, सारा कुछ करन वाला है। नमस्कार ते सही को हमारी, उस वाहिगुरु नू, उस गुरु नू साडी नमस्कार है। सकल प्रजा जिन आप सवारी, जिन्हें सारी अपनी प्रजा बनाती, पहल पुरिए पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा आथून पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंदी मैं सागरा। असी उहदी प्रजा हैगे हाँ, इस तरह हैगे जिस तरह वह कृष्ण होए ते असी गोपियां हों। भगत नामदेव जी ने समझाउण दा जतन कीता, ओह सारा बनाउण वाला है, ते असी उहदी प्रजा दे विच नची जा रहे। कोई खुशी विच नचाई वाहिगुरु किसी नूं नचाई जा रहा, ते किसी नूं दुखां च नचाई जा रहा, किसी नूं भुखां विच नचाई जा रहा, ते किसी नूं सुखां विच नचाई जा रहा। ये उहदे ही नचाउण वाला है। सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, पर ये लफ्ज़ शिव गुण पढ़ना है, तुसी सब गुण नहीं पढ़ना। इन्हां गुटकियां दे विच ये सब गुण लिखिया होया है। वैसे पुरातन लफ्ज़ जिहड़ा है सिवकन को शिव गुण सुख दियो लफ्ज़ है, कि सिवकन का मतलब है अपने सेवक नूं, ते जिहड़े तुसी
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के छपे हुए गुटके पढ़ोगे, श्रोमणी कमेटी जां सिख रहत मर्यादा दे विच जिहड़ा छपया होया उहदे विच शिव गुण है, इहनू शिव गुण ही पढ़ना जिहड़ा तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो। इहदा मतलब कि सेवकन दा मतलब अपने सेवकां नूं, शिव दा मतलब है वाहिगुरु, शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, अपने सेवक नूं रब्बी गुण देण वाला वह वाहिगुरु है। सेवकन दा मतलब सेवक, शिव गुण दा मतलब रब्बी गुण। अपने सेवकां नूं शिव गुण रब्बी गुण ते सुख दिंदा। शत्रण को पल मूह बद कियो, ते शत्रुआं नूं इक पल दे विच वध करदा, मारदा है जी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। बड़े स्पष्ट ने अर्थ भाई, वह हर एक दे अंदर दी जानन वाला है, स्पष्ट अर्थ ने। जिन्हें मर्जी उस तो लुका लिए, वो तो सब कुछ जानता है, वो अंदर दी जानता है। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीचै अरदास। उस तो कुछ लुकिया नहीं, वो सब दे अंदर दी जानता है। घट घट के, घट कहिंदे हिरदे, अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। असी मैं बाहरों भला बनिया फिरदा, पर मैं अंदरों किन्ना बुरा, तुसी ते नहीं जान सकते ना। तुसी ते मेरे चिट्टे कपड़े वेख ले, मेरा मिठ बोलना तुसी वेख लिया, पर वो मेरे अंदर दे पापा नूं जानदा है, उस तो कोई लुका नहीं है। इनू महाराज जी कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कि असी भावें हट मन मंदिर भन दीए, भावें कर चोरी कर, जिहड़ा चोरी है ना, चोर जिहड़ा बंदा है, वह भावें तिजोरियां तोड़ तोड़ के, वो अगे भी वेखदा, वो पिछे भी वेखदा, मैनू कोई देखते नहीं रहा, पर उस वाहिगुरु ते तो कौन लुका सकता है, कोई नहीं लुका सकता, वो देख रहा, वो जानदा। इनू महाराज जी हट पट्टण बिज मंदर भन्नै, कर चोरी घर आवै, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहाँ छुपावै। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, वो अंदर दी वो जानदा है वाहिगुरु, वड्डा पीर है वो। चींटी ते कुंचर अस्थूला, कीड़ी तो लैके हाथी तक बनाउण वाला वो है, ते उहदे अंदर दी जानण वाला वो है। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। सब दे अंदर वो आप मौजूद है, ते फिर वो किवें नहीं जानेगा, वो सब दे अंदर मौजूद है, ताइयों सब दे अंदर दी जानदा है। पहुप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो पाई। चींटी ते कुंचर अस्थूला, बिंदी ला के पढ़ना, चींटी कीड़ी दे अंदर भी है, ते हाथी दे अंदर, सारे अस्थूल शरीर वड्डे तो वड्डे, छोटे तो छोटे विच है। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, सारियां दे उत्ते कृपा कर रहा है, ते सब नूं देख के देख फूल फूले, सब नूं देख के खुश हो रहा है, सब नू वेख के मुस्कुरा रहा है जी। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जे कोई उदी बंदगी करन वाले दे उते दुख करदा है, ते रब दुखी होंदा है। जे कोई उसकी बंदगी करन वालियां नू प्यार करदा, उदी शोभा करदा, उदी सेवा करदा, ते रब उसते सुखी होंदा। संतन दुख पाए ते दुखी, संत जना दे उते कोई दुख करे, कोई दुखी बन के आए संत जना दा, फिर रब भी उदा दुखी हो जांदा, जिहड़ा संत जना दे उते मैली अख रखदा। इस करके असी सुखमनी साहब दे विच ये बचन पढ़दे हां, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे संत जना दे उत्ते दुख करन वाले रब दे दुखी होंदे ने, सुख पाए साधन के सुखी, जिहदे अंदर रब दे धन रब दे गुण ने, जे उहदी कोई सेवा करे रब दे संतां दी कोई शोभा करे, ते रब उहनां दे उहनां नूं सुख भी देंदा है। एक एक की पीर पछाणै, किहदे अंदर की चल रिहा, रब सब कुछ जाणदा, घट घट के पट पट के जाणै,
सब दे अंदर दी, सब दे अंदर परतां दी, सब कुछ वो जानने वाला है जी। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तार सब हो। अगे फिर जिक्र किया तेरहवीं बंद दे विच, जब उदकरख, उदकरख का मतलब है पसारा, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते हो लख दरिया। उदे विच ही सारा कुछ, उन्हें अपने आप नू जद पसार कीता, जब उदकरख करा करतारा, करतार ने अपना आप पसारिया प्रजा धरत तब देह अपारा, ये सारी सृष्टि उन्हें अपनी प्रजा रूप दे विच धर के बना दिती, अपरंपार वाहिगुरु ने अपरंपार सृष्टि बनाती। जब आकरख, आकरख का मतलब है समेटना, उदकरख का मतलब है पसारा, आकरख का मतलब है समेटना। जब आकरख करत हूँ कब हूँ, जब कदी रब ने अपने आप नू समेटना होएगा, तो अपने आप नू समेटन का मतलब तुम मैं मिलत देह सब, देह धर सब हूँ। जिन्हिया इतने शरीर ने कीड़ी तो लैके हाथी तक सारे, सारिया देहां उदे विच ही समा जाणगियां। अपने फुरने दे विच ही वह सृष्टि बनाउंदा है, अपने फुरने दे विच ही सब नू फना करदा है जी। जीते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। फिर अगे ये जिक्र किया कि जिन्हें इत्थे बदन, बदन का मतलब शरीर, सृष्टि विच जिन्ने शरीर बने ने मनुखा दे ही, जेते बदन सृष्ट सब धार है, जिन्ने तरह के मनुख बनाए ने, भावें हिंदू, तुर्क, कऊ, रापसी, इमाम, साफी, जिन्ने भी बनाए ने, आप अपनी बूझ उचार है, आप अपनी बूझ उचार है, भाव कि रब न हर कोई अपनी मत नाल ही विचार करता है। जिन्हें मर्जी ज्ञानी कट्ठे कर लो, एक ज्ञानी की कथा दूसरे नाल नहीं मिलेगी, मेरे किए हुए विचार दूसरे नाल नहीं मिल सकते। कई बार साड़ी पकड़ विच कुछ नहीं आएगा, दूसरे की पकड़ विच आ जाता है। कई बार असी कह के भी अणकहे होंगे हाँ। इतने जिन्हें भी बने ने, जेते बदन सृष्ट सब धार है, जिन्हें शरीर बनाए ने, आप अपनी बूझ उचार है, सब अपनी मत के नाल रब दे कथा, रब का व्याख्यान करने वास्ते तुरे हुए ने। तुम सब ही ते रहत निरालम, पर जे कहिए कि दुनिया की कीती हुई कथा दे विच तुसी मौजूद हो, महाराज तुसी मौजूद हो के भी सब तो निरालम हो, तुसी सब दे विच हो के भी सब तो निरलेप हो। तुम सभी ते रहत निरालम, तुसी सारिया तो निरालम निरलेप हो। जानत बेद भेद अर आलम, इस भेद नू वेद भी जानते ने, चार वेदां दे विच भी ये जिक्र है। वेदा मह नाम उत्तम सो सुने ना ही फिर ज्यों बेतालिया, वेद भी जानते ने कि वह निर्लेप है वाहिगुरु। अर आलम, आलम कहते आलम फाजल, ते सियाने बंदे, मूर्ख बंदियां दा जिक्र नहीं किया मेरे वर्गियां दा, सियाणियां बंदियां दा जिक्र किया है कि जे कोई मेरे वर्गा कथा करके कहे नहीं जी मैं ते रब दे दीदार करा दांगा, फिर सियाने बंदे जानते हैं कि भलिया तेरी कथा विच भी रब नहीं है, तेरी कथा तो भी वह निर्लेप है, क्योंकि उहदी ताकत तेरे लफ्जां दे विच उह बनिया नहीं जा सकता। तेरी लिखिया किताबों के कोई कहे कि ये रब, वो ये भी नहीं आ सकता। अखरां तो रब प्राप्त किया जा सकता है, पर सच्ची गल है कि ये अखरां के भी रब नहीं है, जिन्हों असी जपजी साहब के पढ़ते हैं कि जिन ये लिखे ते सिर ना, एक पासे पढ़िया अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, अखरां विच है, पर अगे कह दिता जिन ये लिखे ते सिर ना है, जे फरमाए वो जिमें अपने हुक्म विच हुंदा है उवें ही हुंदा है, किसी दे कया नहीं हुंदा। इस गल नू वेद भी जानते ने, ते सियाने पुरख भी इस गल, इस भेद नू जानते ने कि रब सारिया विच होके भी निरालम निरलेप है जी। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत विदा। निरंकार आकार तो परा है ओ वाहिगुरु, कोई शरीर नहीं है उहदा, सारी उहदे शरीर ने पर उहदा कोई शरीर नहीं लभिया। निर्विकार, विकारां तो रहत, असी सारे विकारां विच ने,
ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ, ਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਫਿਰ ਬਿਰਦ ਪਿਆ, ਬਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਸੰਭ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਦ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਅਨੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਰੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਦ, ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦ ਸੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਅਸੰਭ, ਸੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਿੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਫਲਾਣੀ ਤਿੱਥ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਿਸ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਗਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਾ ਤਿਸ ਦਾ, ਮੂੜ, ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੇਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾਸ਼ਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਚੀ ਨਤ ਨਹ ਪਿਵ। ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ। ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਹਨ ਲੈ ਲਟਕਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਤੁਜੈ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦੇਹੋ। ਮਹਾਂਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਪ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਬਿਸ਼ਨ ਡਾਲ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ।
इनू महा मूर्ख च भेद ना जानत आख्या, मूर्ख आख्या। महादेव को कहत सदा शिव, शिव नाम वाहिगुरु दा। ते जी कोई कई कहिंदे जी महादेव शिव जी ही वाहिगुरु ने, सदा रहण वाले ने। महाराज कहिंदे नहीं, कई ये भी भुलेखा खा जांदे ने कि शायद शिव ही वाहिगुरु है। नहीं, महादेव को कहत सदा शिव, कई वाहिगुरु महादेव नू कई बैठे ने। नहीं, निरंकार का चीनत नह पिव, रब नू ते कोई इवें नहीं दस सकदा कि रब किथे वस रिहा है जी। आप आपनी बुद्ध है जेती बा बस इस करके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहिंदे अपनी अपनी बुद्ध है भाई। कोई महादेव नू वाहिगुरु आखी जांदा है, ते कोई पाहन नू वाहिगुरु आखी जांदा है। ते ना वह वाहिगुरु है ते ना ये वाहिगुरु है। सच तो यह है कि अपनी अपनी बुद्ध दे नाल सारी उहदी कथा करी जा रहे ने, पर उनू फिर भी कोई नहीं बयान कर सकिया। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तेती तिस रूप दे विच ही अपने अपने रूप च बयान कर रहे ने। तुमरा लखाना जाए पसारा, वाहिगुरु जी तुहाडा अंत तुहाडा पारावार तां वी कोई नहीं पा सकेगा। कह बिद सजा प्रथम संसारा, तुसी किवें बणे हो ये ते दसना बड़ी दूर दी बात, कोई ये भी नहीं दस सकिया। ते तुसी संसार किवें बनाया पहली बार, तुहानू दसना कि तुसी किवें बणे, तुसी किथे हो, किस तरह हो, ये कहना दूर। किस बिद विच तुसी संसार बनाता ये भी कोई आख नहीं सकदा जी। कही भूपा अंडज जे रज से तज कीने, उत पुज खान बहर रच दीने। एक है रूप अनूप स्वरूपा, वाहिगुरु एक है जिदा रूप रंग रेख भेग कोई नहीं है, पर ओदे स्वरूप किन्ने ने। अनूप दा मतलब जिन्हों कोई देख नहीं सकदा, ते स्वरूप जिन्हों देख देख के बंदा थक थक जाएगा। इन्ने स्वरूप ने, कहिंदे किस तरह के स्वरूप ने, है वह अनूप है। कोई कोई रूप रंग रेख भेग जात पात नहीं है, पर वो स्वरूप बड़े ने। एक है रूप, एक वाहिगुरु है, अनूप स्वरूप ना कोई वह अनूप है, पर स्वरूप बड़े ने। रंग भयो राव कही भूपा, कितने भिखारी बनया बैठा है, तो कितने राव कहिंदे अमीर बन के राजा बनया बैठा है। कहिंदे वह कोई अंत थोड़ी है, भिखारियों विच भी वह बैठा होया, तो बादशाहों विच भी अमीरों विच भी वह बैठा होया। कहिंदे दसो कौन अंत पाएगा उहदा। तू भाई किस पासे रब नूं देखण चलिया, मैनू ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे भिखारी विच वी उह दिसदा, ते अमीरां विच ते भूपतां विच वी उह है। रंक भयो किथे तू रंक भिखारी बणिया पिया। राव कहिंदे अमीर, राव कही भूपा, भूपा भूपत कहिंदे राजे नूं, भूपत राजा बणिया बैठा। अंडज जेरज सेतज कीनी, तू किस किस रूप विच अपने आप नूं पसारा कीता, अपनी सृष्टि दा पसारा कीता। अंडियां विचों, जेरज विचों, सेतज विचों, किस किस रूप दे विच। उत पुज खान बहर, चार ही रूप ने जी इस धरती दे उत्ते बनन वाली। जां कोई गर्भ विचों पैदा होंदा है, जिस तरह असीं गर्भ विचों पैदा होए, जां कोई अंडे विचों बनदा है, जां कोई पसीने विचों बनदा है, ते जां कोई धरती दे विच किरमा विचों बनदा है। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहर रच दी नहीं। खुद कुछ ये चार है जी, ये जिन्ना कुछ बहर रच सारी रचना उस वाहिगुरु ने इन्हों चार चीजा विचों ही कीती है जी। कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, इत्थे ब्रह्मा दा रूप तू बना दिता वाहिगुरु कमल दे फुल दे उते। कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, इस किथे तू शिव जी वर्गे बनाते सारी सृष्टि नू कठा करन वाले, समेटन वाले, नाश करन वाले। किथे तू पसारा करी बैठा, ते किथे किथे तू फना हुई रूप बैठा। सगरी सिगरी नहीं पढ़ना, इन्हां विच सिगरी लिखिया पुरातन सगरी है, श्रोमणी कमेटियां दी गुटकियां विच सगरी है। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, ये जिनी सृष्टि ये सब अचंभव तू ही बनाई है, सब तेरी। किथे तू फना करी बैठा, किथे अफगानिस्तान दे विच
ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਿਟੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਸਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਤੋਂ ਨਿਤ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ, ਆਦਿ ਵੀ ਜੁਗਾਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉੱਠ ਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲਾਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਉਤਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਠ ਕੇ ਐਂ ਹਲਕੂ ਹਲਕੂ ਵੱਡੂ ਖਾਊਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨਵੈ ਸਾੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉੱਠਵਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, 20 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਪਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਡਨ 6 ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।